अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्सा बहुत सी वीडियोस तो आप देखते रहे बहुत सी सोसाइटीज़ के, लेकिन अगेन मैं बात आज करने वाला हूँ फैसल हिल्स के ऊपर, क्योंकि फैसल हिल एक वो प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा एतमाद किया था। उसकी एक वजह तो उसके ऑनर का डेवलपमेंट का तरीका है, डेवलपमेंट का मयार है, और उसकी फिर लोकेलिटी भी ऐसी थी कि लोगों ने बहुत खुशी से वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी आते रहे। तो क्या कुछ हो रहा है वहाँ, उसके बारे में बात करेंगे मज़ीद इस वीडियो में। अपनी लॉन्च के बाद से फैसल हिल्स ने बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी, इन्वेस्टमेंट्स धड़ाधड़ वहाँ पे आई और रेट्स भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एरिया काफ़ी ज़्यादा था, डेवलपमेंट कुछ स्लो थी, लेकिन फिर भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम को देख के लोग इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे थे कि देर सवेर उन्हें अंदाज़ा था कि होती भी रहे कोई मसला नहीं, उन्हें उनके टाइम पे पोजीशन मिल जाएगी। फिर लोकेशन अगर देखें तो मारगला रोड की जो एक्सेस की खबरें आती थी कि मारगला रोड बनेगा, मारगला रोड बनने वाला है, ये वो चीज़ें थी कि जो इन्वेस्टर को थोड़ा सा एतमाद देती थी मजीद इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। बहरहाल उसमें भी देर सवेर होती रही, लेकिन फैसल हिल्स की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगी। साल डेढ़ साल पहले तो 5 मरला प्लॉट की अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर बात करें तो 65 लाख को टच कर गया था 5 मरला, और इससे कम में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स मिल जाती थी, लेकिन वो ऑन के ऊपर मिलती थी, तो आप समझ लें कि एट द एंड आपको उतना ही पे करना था जो एवरेज चल रही थी 65 लाख की। अब जब कीमतें बहुत ज़्यादा चली जाती हैं तो फ़ायदा होता है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को, लेकिन नुकसान होता है उन लोगों को जिन्होंने नई बाइंग्स करनी होती है और मार्केट में एंट्री लेनी होती है। अब जब ये तनासब गड़बड़ हो जाता है, यानी प्रॉफिट कमाने वाले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन डिमांड कर रहे होते हैं और ख़रीदार एक हद तक तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो ख़रीदता जाता है ख़रीदता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक 25 लाख की चीज़ है, बढ़ते 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 अगर वो 50 तक भी चली गई है तो ख़रीदार कुछ कोशिश करके मैनेज करके ख़रीदेगा, लेकिन करते करते जैसे अब वो 65 के टच कर गया तो फिर एक इतना बड़ा गैप आ जाता है उसमें एक्चुअल प्राइस और उसके प्रॉफिट्स में। और साथ की लोकेलिटीज़ को देखते हुए देखें तो बाज़ू का लगता है कि जी मार्केट से रेट तेज़ है, तो इन्वेस्टर का रुझान ज़रा कम हो जाता है। यही चीज़ देखी फैसल हिल्स ने, वहाँ पे कीमतें गिरने लग गई, हालांकि डेवलपमेंट का काम साथ साथ जारी था, डेवलपमेंट होती जा रही थी, कीमतें नीचे आ रही थी। और फिर वक्त आया मार्केट के ओवरऑल रिसेशन का, ओवरऑल हमारे मुल्क की जैसी इकॉनमी बैठी उस पर रियल स्टेट में भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मंदी रही, फैसल हिल ने भी इसको फेस किया। ये मंदी इस कदर शदीद थी कि इसी दौरान मारगला एवेन्यू, जिसकी हमेशा से बात की जाती थी कि बनेगा, जिसकी बेस पे सारा इलाका डेवलप हो रहा था और उसकी कीमतें बुलंद हो रही थी, इवन उसकी फाइनल अनाउंसमेंट कर दी लास्ट गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उन्होंने उसकी तामीर भी शुरू की और काफ़ी तेज़ी से उसकी तामीर की, बहुत बड़ा एरिया उसका बन गया। अब लोग मारगला एवेन्यू से ट्रैवल करते हैं, जो टैक्सला वाह के लोग हैं उस साइड के लोग हैं वो इस्लामाबाद से आते हुए उसी रोड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस सड़क की तामीर के बाद भी फैसल हिल के रेट गिरते ही जा रहे थे, नीचे से नीचे जा रहे थे। बीच में फिर डी ब्लॉक का लॉन्च किया चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने, डी ब्लॉक के लिए भी जब इन्वेस्टर्स पहुंचे तो खिड़की तोड़ रश था वहाँ पे, बिल्कुल फाइल्स मिल नहीं रही थी और फाइल्स ऑन में सेल होना शुरू हो गई। बहरहाल वक्त आगे गुजरा, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज 2 को लॉन्च करने का प्लान बनाया। तो इन्वेस्टर तो आपको पता है वही होता है जो मार्केट में घूम रहा होता है, कमोबेश वही लोग उन्हीं सब सोसाइटियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो फैसल टाउन में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से लोगों ने पैसा उठाना शुरू कर दिया, डी ब्लॉक से भी उन्होंने पैसा वापस निकालना शुरू किया और माइनस में बेचना शुरू कर दी अपनी फाइल। तो ये सब चीज़ें असर पड़ता रहा और मार्केट बहुत नीचे आ गई। इस वक्त आपको फैसल हिल में 5 मरले का प्लॉट, जो पहले 65 को टच कर गया था, अच्छे प्लॉट की बात करूँ और नॉर्मल प्लॉट भी आप कह लें कि 50-55 प्लस में जा चुका था, वो प्लॉट उस वक्त इतनी कीमतें गिर गई है कि नॉर्मल प्लॉट आपको इवन 35 लाख में मिल जाता है और जो अच्छा प्लॉट है वो वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझ लें कि 60+ में, 65 इवन 70 को भी टच करता है अच्छे प्लॉट की जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसकी कीमतें। बहरहाल ये 35 लाख वाला जो प्लॉट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ ये हर जगह नहीं मिलेगा, आपको बी ब्लॉक के कुछ एरियाज है जहाँ पे इन कीमतों में चीज़ मिल जाती है, लेकिन डेफिनेटली जब ये रेट मौजूद है, इस पर प्लॉट मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट का रेट भी यही है। और जो ए और सी ब्लॉक है जिनकी पहले से बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी, लोग उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, उनमें अभी भी अगर कम से कम भी आप ट्राई करते हैं प्लॉट, फिर 35 मिनी वहाँ पे मिलेगा, कम से कम कीमत आप समझे कि 40 होगी वहाँ पे। लेकिन ये जो कीमतों की गिरावट है एक्चुअली आपके लिए बाइंग टाइम बना लिया है इसने। पहले जहाँ पे आप 65 लाख में कोई चीज़ खरीदने जाते थे और आप खरीद ना पाएं, तो अब अगर वो 35-40 लाख में मिल रही है तो फैसल हिल्स को लेके आप देखें तो ये अच्छा बाइंग टाइम है। फ्यूचर डेफिनेटली इसका बहुत ब्राइट है, आप साथ में देख सकते हैं B17 की कीमतें कहाँ पे हैं, उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे है,
तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आबादी का जो है, और जिस तरीके से चौधरी साहब ने प्लान कर रखा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अबे आबाद ही रहे, बेआबान ही रहे। उसको इंशाल्लाह उन्होंने जल्दी ही आबाद करना है। इवन फिर मरगला एवेन्यू के जो कुछ पैचेस रह गए हैं डेवलपमेंट से, वो भी तब तक तामीर हो जाएंगे। और इसके बाद ये सारा एरिया, क्योंकि मरगला एवेन्यू के भी दाएं बाएं सेक्टर्स आ जाएंगे, सोसाइटीज़ आ जाएंगी, तो फैसल हिल शायद उस वक्त आपको सबसे सस्ता ही प्रोजेक्ट लगेगा। करेंटली जो कीमतें अगर उनको भी आप देखें, तो ये कीमतें आपको नेक्स्ट ईयर्स में शायद वहाँ पे ना मिलें। तो इट्स अ गुड बाइंग टाइम, आप अपने इन्वेस्टमेंट को फैसल हिल में पार्क कर सकते हैं। अच्छा बेनिफिट आपको दे की जाएगी ये इन्वेस्टमेंट। सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप कह लें कि आपके पैसे फंस जाने हैं, बल्कि कीमतें भी बढ़नी है और सोसाइटी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आबाद होगी। फैसल हिल में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, हर साइज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। कमर्शियल भी वहाँ पर काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और सेल परचेज में भी प्लॉट्स मौजूद हैं। इन तमाम प्लॉट्स की बुकिंग अगर आप खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, तो रिपल बिल्डर आपको ये सर्विसेज फराहम कर सकता है। आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और प्रॉपर्टी की मार्केट में और क्या कुछ आने वाला है और क्या कुछ हो रहा है, उसकी खबरें तो हमारे चैनल पे आपके सामने आती रहती हैं। आपने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ।